नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 5 ओशन करंट्स का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें ए है, इन विच ओशन डज द लेबराडोर करंट फ्लो। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ अटलांटिक। ठीक है, फिर यहाँ पर बी है, विच करंट आउट ऑफ द फॉलोइंग फ्लोज इन द इंडियन ओशन। इसमें आएगा सोमाली करंट। फिर यहाँ पर सी है, विच फैक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रीजन अलोंग द कोस्ट। तो इसमें क्या आएगा, सेलिनिटी। फिर यहाँ पर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द एरिया वेयर द कोल्ड एंड वार्म करंट्स मीट। तो इसमें क्या आएगा, थिक फॉग। ठीक है, अब यहाँ पर ई क्या है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग करंट्स फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थर्न पोलर रीजन अप टू अंटार्कटिका। तो इसमें क्या आएगा, डीप ओशन करंट्स। ठीक है, चलिए अभी हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामिन द गिवन स्टेटमेंट एंड करेक्ट द रॉन्ग वंस। देखिए इसमें ए है, ओशन करंट्स गिव स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड वेलोसिटी टू द वाटर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। ओके, अभी यहाँ पर सेकेंड देखिए, द डीप ओशन करंट्स फ्लो विथ हाई वेलोसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, रॉन्ग। ठीक है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, रॉन्ग है। तो देखिए इसको हमने राइट करके लिखा है, क्या लिखा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर थ्रू डीप करंट्स टेक्स अराउंड 500 ईयर्स। ओके, फिर यहाँ पर सी, जनरली सरफेस ओशन करंट्स आर फॉर्म इन द इक्वेटोरियल रीजन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इसको हमने राइट करके लिखा है, क्या लिखा है, देखिए, द सर्फेस ओशन करंट्स फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स एंड फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर एंड आर फॉर्म इन अ रीजन फ्रॉम सी लेवल टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर डी है, ओशन करंट्स होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन लाइफ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, राइट है। फिर यहाँ पर ई देखिए, द मूवमेंट ऑफ आइसबर्ग्स इज नॉट डेंजरस फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इसको हमने राइट करके लिखा है, द मूवमेंट ऑफ आइसबर्ग्स इज डेंजरस फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। इफ आइसबर्ग्स कम अलोंग द मरीन रूट्स दे आर हजार्ड्स टू द शिप्स। उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ है, वाटर बिकम्स वार्म नियर ब्राजील ड्यू टू ओशन करंट्स, ऑन द अदर हैंड इट बिकम्स कोल्ड नियर अफ्रीकन कोस्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, राइट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ, इसमें ए है, वार्म ओशन करंट्स ऑन क्लाइमेट। तो देखिए यहाँ पर हमने इसका आंसर लिखा है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद देखिए यहाँ पर बी है, कोल्ड ओशन करंट्स ऑन द मूवमेंट ऑफ आइसबर्ग। सो इसका आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने लिखा है। फिर यहाँ पर सी है, द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन ऑन ओशन करंट्स। सो इसका आंसर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर उसके बाद यहाँ पर डी है, मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, इसमें दो पॉइंट्स है, फोर्थ एंड सेकेंड। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर ई है, द ट्रांसपोर्टेशनल कैपेसिटी ऑफ ओशन करंट्स। तो इसका आंसर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ है, डीप ओशन करंट्स। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप अच्छे से इसको। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द मैप ऑफ ओशन करंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ए है, हाउ डज द हम्बोल्ट करंट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द साउथर्न अमेरिकन कोस्ट। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, फिर इसमें बी है, इन विच ओशंस आर काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स नॉट ऑब्जर्व एंड वाई। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ पर सी है,
विच करंट्स आर एबसेंट इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन एंड व्हाई। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ पर डी है, इन विच रीजन्स डू द कोल्ड एंड वार्म ओशियन करंट्स मीट। तो इसका आंसर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर जो ए है वो क्या है, व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीप ओशियन करंट्स। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, ये देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर बी है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डायनामिक्स ऑफ द ओशियन वाटर। तो देखिए इसका आंसर हमने लिखा है, देखिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ पहले, तो देखिए इसका आंसर है यहाँ से लेकर के कहाँ तक है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है इसका आंसर, ठीक है। अभी मैं आपको पॉइंट वाइज दिखाती हूँ, तो देखिए आप ये देखिए, पहले आप इसको देखिए फिर हम आगे का देखते हैं। चलिए अभी आगे का देखिए, ये इसी में है, अलग नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये, फिर देखिए इसमें सी है, हाउ डू विंड्स गिव डायरेक्शन टू द ओशन करंट्स। तो इसका आंसर देखिए यहां से लेकर के यहां तक है, फिर उसके बाद यहाँ पर डी है, वाई डू द पोर्ट्स इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ कैनेडा फ्रीज इन विंटर। तो इसका आंसर देखिए यहां से लेकर के यहां तक, तो देखिए बच्चों यहां पर हमने लेसन नंबर 5 ओशन करंट्स का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया।